हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी फ़ोन है तो रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड पॉइंटर स्पीड है तो कीबोर्ड पॉइंटर स्पीड को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन ओपन हो जाएंगे, फिर आपको क्लिक कर देना है सेटिंग्स आइकन पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड एंड माउस पॉइंटर स्पीड है तो इसको आप कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है पॉइंटर स्पीड। तो हमने सर्च कर लिया तो पॉइंटर स्पीड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप पॉइंटर स्पीड को सेट कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पर जाना है और जैसे हमारे पास ये आ जाएगा जहाँ से आप माउस एंड ट्रैक पैड की पॉइंटर स्पीड को इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मीडियम पे भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड माउस एंड ट्रैक पैड की पॉइंटर स्पीड को सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू नेक्स्ट वीडियो के लिए। और साथ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास आप सेटिंग्स पे जाकर भी पॉइंटर स्पीड को सेट कर सकते हैं। सिंपली हमारे आइकन शो हो रहे हैं तो इसमें से आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है तो फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। जो हमारे फ़ोन में जैसे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा था पॉइंटर स्पीड को सेट करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग पे। क्लिक करते ही एडिशनल सेटिंग ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ओपन हो गई है। आपको लैंग्वेज इनपुट पे जाना है। इस पे जाते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा कीबोर्ड एंड माउस पैड ट्रैक, तो इस पे जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा पॉइंटर स्पीड, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो इस तरीके से आप कीबोर्ड माउस पॉइंटर ट्रैक को आप सेट कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। और थैंक यू।